एसी सर्किट शब्द से क्या मतलब है, इसको समझते हैं। एसी सर्किट क्या मतलब है इस बात का? एसी सर्किट शब्द का मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एक एसी सोर्स हो और कोई भी सर्किट एलिमेंट हो। सर्किट एलिमेंट मतलब क्या? सर्किट एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर या इनके कॉम्बिनेशन, कैसे भी है ना। दैट मीन्स मैं कोई भी सर्किट अपने मन में सोचूं जिसमें कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, इनके कॉम्बिनेशन या अकेला या इस तरह का कुछ भी अगर हो तो दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एसी सर्किट। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सर्किट आपको दिखाया था, एक सिंपल रेजिस्टर को मैंने जोड़ दिया ऐसे, ये एक एसी सर्किट बन गया। या आप एक सिंपल कैपेसिटर को जोड़ दें, ये भी एक एसी सर्किट बन गया, ये भी एक एसी सर्किट हो गया। या आप एक सिंपल इंडक्टर को जोड़ दें, तीन ही सर्किट एलिमेंट हैं, एक सिंपल बताया था मैंने, तीन सर्किट एलिमेंट हैं आपके, इसको जोड़ दें, ये भी एक एसी सर्किट हो गया, सही है। अच्छा जी, आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लें, रेजिस्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लें, इसको एसी सोर्स से जोड़ दें, ये भी एक एसी सर्किट हो गया, है ना। आप रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लें ऐसा, और इसको एसी से जोड़ दें, ये भी एक एसी सर्किट हो गया। आप कैपेसिटर और इंडक्टर का एक सीरीज कॉम्बिनेशन ले लें और इसको एसी से जोड़ दें, ये भी एक एसी सर्किट हो गया। आप तीनों का कॉम्बिनेशन ले लें, इसको एसी से जोड़ दें, ये भी एक एसी सर्किट हो गया, है ना। और अब ये तो सारे सीरीज अरेंजमेंट ही है मैंने, अब आप चाहें तो पैरेलल में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा कर लूं कि ये रहा कैपेसिटर और ये रहा एक रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में एसी से जोड़ दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। ये एक पैरेलल एसी सर्किट हो गया, ये सारे सीरीज एसी सर्किट हैं, ये कैसा हो गया, ये पैरेलल एसी सर्किट हो गया, है ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये इंडक्टर और मान लेते हैं ये रेजिस्टर, और फिर इसको मैंने एसी से जोड़ दिया, ये भी हो गया एक पैरेलल एसी सर्किट, और तीनों भी लगा सकते हैं भाई, ऐसे 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 ऐसे, ये भी एक एसी सर्किट हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर इसमें भी सीरीज पैरेलल के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर लगा दिया मैंने, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने ऐसे, और फिर इसको इसी से जोड़ दिया, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, एंड सो ऑन, आई कैन कीप ऑन डूइंग दिस। दीज आर ऑल एसी सर्किट्स, दीज आर ऑल एसी सर्किट्स, दीज आर ऑल एसी सर्किट्स, है ना। ऑब्वियसली दिस इज एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, है ना, दिस इज एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, दिस इज एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, इंडक्टर ओनली, आर सी एसी सर्किट, आर सी सर्किट, आर सी सर्किट हम पहले भी देख चुके हैं, पर वो क्या था, वो डी सी सर्किट था, ये आर सी ए सी सर्किट है। सिमिलरली एल आर सर्किट, एल आर सर्किट हम पहले भी देख चुके हैं पर वो डी सी के साथ था, ये हो जाएगा ए सी का एल आर सर्किट, है ना, ये हो जाएगा एल सी सर्किट, एल सी सर्किट, ये हो जाएगा एल सी आर सर्किट, एल सी आर सर्किट, एसी सर्किट, एलसीआर, है ना, एलसीआर। और ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के सब लोग कैसे हैं, ये सारे लोग हैं सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर ये कैसे हैं, ये हैं पैरेलल, अरे विद मी, ये हैं पैरेलल, राइट। तो ये हो जाएगा पैरेलल आरसी सर्किट, ये हो जाएगा पैरेलल रेजिस्टेंस और इंडक्टर एलआर सर्किट, और ऐसे ही ये हो जाएगा पैरेलल एलसीआर सर्किट, और फिर ये हो जाएगा मिक्स्ड सीरीज पैरेलल का सब कुछ सारा कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, है ना भाई। ये सब कंबाइंडली क्या कहलाएंगे, ये सब कंबाइंडली कहलाएंगे एसी सर्किट, ये सब कंबाइंडली कहलाएंगे एसी सर्किट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन सभी सर्किट्स को अगर मैं एक सिंगल डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूं, एक सिंगल डायग्राम से इन सभी सर्किट्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो एसी सर्किट को हम एक सिंगल डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो सिंगल जो डायग्राम है वो सिंगल डायग्राम होगा कुछ इस तरह का, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम हो गया। उस डब्बे के अंदर क्या है मैंने दिखाया नहीं, उस डब्बे के अंदर केवल रेजिस्टेंस हो सकता है, केवल कैपेसिटर हो सकता है, केवल इंडक्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टेंस इंडक्टर हो सकता है, इंडक्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर हो सकता है, सीरीज एलसीआर हो सकता है, पैरेलल सर्किट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना भाई। हेंस हम इन जनरल किसी भी एसी सर्किट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन जनरल हम किसी भी एसी सर्किट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये जो सोर्स है ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी,
और सर्किट में जो करंट बहेगा, ये जो करंट बहेगा आई, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ क्लॉकवाइज दिशा में, पर ऑब्वियसली ये करंट समय के साथ डायरेक्शन बदलेगा। ठीक, तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी और सबसे मज़ेदार जो बात है एसी सर्किट्स की, वो ये है भाई कि अगर आपका सोर्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल साइन का फंक्शन है, अगर आपका सोर्स एक सोर्स ईएमएफ अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सर्किट में जो करंट चलेगा वो भी एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। दैट मींस कैसा भी, कोई भी, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी टफ एसी सोर्स हो, अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी का सोर्स है, तो सर्किट में जो करंट चलेगा आई, उसको हमेशा ही लिखा जा सकता है आई बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इस बात को थोड़ा बचाओ, ये बहुत ही मजेदार बात है। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कैसा भी सिंपल हो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, कैसा भी एसी सर्किट हो, हर एसी सर्किट में बहने वाले करंट को हमेशा ही लिखा जा सकता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर सोर्स था ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी सोर्स था, तो सर्किट में बहने वाला जो करंट है वो हमेशा ही लिखा जा सकता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान लेते हैं हम पहले इन तीन सर्किट्स की बात करें, अगर सिंपल रेजिस्टेंस है आपने जोड़ा है ना भाई, तो यहाँ ई नॉट साइन ओमेगा टी है, मान लेते हैं सर्किट में करंट बह रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होगा। सिंपल इक्वेशन बनेगी आई आर बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, किरचॉफ लॉ अभी भी लगेगी। यहाँ आ जाते हैं है ना, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी, इस पर चार्ज अगर क्यू है तो क्यू बाई सी बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर मैं करंट निकालने के लिए क्या करूंगा, क्यू को डिफरेंशिएट करूंगा, तो साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस बन जाएगा। और सिमिलरली यहाँ के इक्वेशन बनेगी एल डी आई बाई डी टी बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर डी टी उधर ले जाकर इंटीग्रेट करोगे तो साइन ओमेगा टी के इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस आ जाएगा। बेसिकली जो होगा वो ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक ही रहेगा, केवल एक फेज आ जाएगा, एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। सारा खेल इस एसी चैप्टर में फेज डिफरेंस को समझने का ही है। हैंस ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का अगर एसी सोर्स है, तो सर्किट में जो करंट बहेगा वो होगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। केवल दो ही चीज आपके निकालने की होंगी, एक आई नॉट और एक फाई। अगर मैं आई नॉट और फाई को ढूंढ लूं तो मतलब है मैंने एसी सर्किट को सॉल्व कर लिया है, राइट। हैंस पूरे एसी सर्किट को सॉल्व करना या इस एसी चैप्टर को समझना इज फंडामेंटली फाइंडिंग आउट व्हाट इज आई नॉट एंड व्हाट इज फाई। इन्हीं दो चीजों पर हम अपना जो ध्यान है वो कंसंट्रेट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट आई नॉट एंड हाउ टू फाइंड आउट फाई। ठीक, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है। हैंस कोई भी एसी सर्किट को मैं इस छोटे से डब्बे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक बात मैंने कही। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर सोर्स है ई नॉट साइन ओमेगा टी का, तो सर्किट में जो करंट बहेगा वो हमेशा ही होगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये दो बातों को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रख लें।